दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत प्लान के। जैसा कि स्क्रीन पर आपने हमारा थंबनेल देखा होगा, 20x30 का हाउस प्लान लेकर आया हूं मैं। मात्र 600 स्क्वायर फीट में 2 बेडरूम, लेट बाथ, स्टेयर, कार पार्किंग भी मैंने यहाँ पर निकाल के दी है, और ये बारंदा भी आप उसे समझ सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लान होने वाला है। किचन वगैरह का जो साइज़ है वो भी काफ़ी बड़ा होने वाला है। तो अगर आपके पास कम बजट है तब भी आप इस घर को बनवा सकते हैं। 600 स्क्वायर फीट का एरिए में मैंने पूरा घर डिजाइन किया। 2 बेडरूम है, लेट बाथ है, स्टेयर्स हैं, और आपका किचन का डिजाइन है, साथ साथ कार पार्किंग या बारंदा भी आप उसे बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन मैंने दिया है मात्र 20x30 फीट में। तो उसी मॉडल को आज हम डिस्क्राइब करेंगे। काफ़ी लोग हमें कमेंट कर रहे थे कि सर 2 बेडरूम के साथ बेहतरीन से मॉडल एक दीजिए, तो उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए ये मॉडल मैंने डिजाइन किया। एक लोगों ने हमें कमेंट सेक्शन में ही बोला था कि सर 20x30 का प्लान विद 2 बेडरूम्स बनाकर दीजिए, तो उनकी रिक्वायरमेंट भी आप समझ सकते हैं। तो आज का हम प्लान पूरा डिस्कस करेंगे आपके साथ, तो बने रहिए स्क्रीन पर लगातार। मैं हूं पवन छागला और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। दोस्तों, स्मॉल हाउस प्लान एक ऐसा चैनल है जिसमें आपको लो बजट प्लान मिलते हैं। आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, बट जो भी मॉडल होते हैं ना वो आपको हाई बजट में मिलते हैं, बहुत सारा डेकोरेशन उनमें होता है। तो वो सब मैं चीज़ें इस वजह से प्रेफर नहीं करता हूँ कि लोगों को ऐसे घर के नक्शे चाहिए जो लो बजट हो और बेहतरीन सुंदर से हों। तो अगर हम बात करें इस मॉडल की, तो इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होने वाली। तो चलो स्टार्ट करते हैं, आपको ले चलते हैं स्क्रीन पर। तो दोस्तों, देख सकते हैं ये 20x30 का हाउस प्लान कितना खूबसूरत होने वाला आपके सामने। ये देखिएगा, ये आपका फ्रंट आपका ये है जो बाहर से स्टेयर्स दी है मैंने। इस साइड आपका ओपन है, अगर आपका क्लोज्ड है तो आप पूरी वॉल कर सकते हैं और इस विंडो को भी हटा सकते हैं अगर इस साइड किसी का घर बना हुआ है। हालांकि मैंने विंडो चारों तरफ दिया है, अगर आपका चारों तरफ क्लोज्ड है तो आप इन सभी विंडो को हटा सकते हैं। आपको वेंटिलेशन के लिए फिर जाल रखवाना होगा। तो ये देखिए फ्रंट का डिज़ाइन कितना खूबसूरत होने वाला है। ये आपका जो बारंदा देख रहे हैं ना, ये 15 फिट का बारंदा है दोस्तों। तो आप इसमें कार पार्किंग भी कर सकते हैं, हालांकि ज़्यादा बड़ी कार तो नहीं पार्क हो पाएगी, लेकिन छोटी सी कार आपकी आसानी से पार्क हो जाएगी। इसके बाद बात करें, ये लुक बाप का जो बना हुआ है ये भी बहुत खूबसूरत होने वाला है। ये मैंने यहाँ प्लांटेशन एरिया बना रखा है। ये स्टेयर्स और दोनों तरफ स्लोप आप ऊपर जाते हैं। तो ये ग्राउंड फ्लोर पूरा था, मैं जूम करके आपको और दिखा देता हूँ। अभी मैं इसका ग्राउंड फ्लोर दिखाऊंगा तो आपको सारी चीज़ें और समझ में आ जाएंगी। मैं जूम कर लेता हूं, जिससे आपको चीज़ें और प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। तो ये पूरा मॉडल बेहतरीन सा आपके सामने बनकर रेडी है। अब बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की। तो ये दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर आप देख रहे हो, कितना बेहतरीन खूबसूरत मॉडल होने वाला है। अब हम इसकी रूफ को इसको हटाते हैं, तब आपको सारी चीज़ें और समझाते हैं। तो ये देखिए ग्राउंड फ्लोर पर अब आपको सबसे पहले 2 मिल जाते हैं प्लर। मैं आपको उसका टॉप व्यू दिखा देता हूँ, ऊपर से आपको चीज़ें दिखा देता हूँ जिससे आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये देखिए, अभी मैं आपको बारी बारी से समझाऊंगा क्या बना हुआ है यहाँ पर। तो सबसे पहले आप यहाँ से चढ़ते हैं ना जब, तो आपको 2 पिलर मिलते हैं जिस पर आपका पूरा बारंदा टिका हुआ है। इसके बाद आप अंदर जाते हैं ना, तो इधर देखिए आपकी स्टेयर्स चढ़ना स्टार्ट हो जाती है। आप स्टेयर से ऊपर जाते हैं और टर्न होते हैं, इसके बाद फिर आप ऊपर की तरफ आ जाते हैं। और उसमें मैंने ग्रिल भी लगा रखी है स्टेयर्स को, जिसको पकड़ के आप आसानी से ऊपर जा सकते हैं। अब स्टेयर के नीचे ही मैंने लेट बात दिया है दोस्त, स्टेयर के नीचे ही मैंने लेट बात दिया है। यहाँ पर देखिए जो इस जगह है ना, ये 6x5 का स्टेयर है, क्योंकि 3 फिट जाने के लिए, 3 फिट आने के लिए, तो 6 फिट एरिया ये कवर्ड होता है और इधर मैंने 5 फिट कवर किया। तो 6x5 स्टेयर्स के नीचे ही आपका मैंने लेट बात दिया है। बेहतरीन सा डिजाइन भी आपको देखने को मिल रहा। आप जैसे अंदर जाते हो तो ये बारंदा या कार पार्किंग इसे बोल सकते हैं यहाँ पर मिलता है। इसके बाद आपको ये डोर मिलता है, ये मैंने किचन एरिया यहाँ पर बना रखा है। बड़ा सा किचन है और यहाँ पर एक विंडो भी दिया है वेंटिलेशन के लिए। अब मेन डोर ये है जहाँ से एंट्री करेगा, आप अंदर जाते हैं और ये मैंने एक विंडो दिया वेंटिलेशन के लिए। तो आप अंदर जाते हैं तो आपको एक बेडरूम मिल जाता है। अब एक इस कॉर्नर पर भी बेडरूम बना है, लेकिन इसे एक्सेस करने के लिए आपको इसी बेडरूम से होकर जाना होगा, क्योंकि जगह काफ़ी कम है। 20x30 मात्र 600 स्क्वायर फीट बना हुआ है ये दोनों बेडरूम। इन बेडरूम का साइज भी काफ़ी बड़ा है दोस्तों, 20 फीट में 2 भागों में डिवाइड किया तो 10-10 फीट लगभग चौड़ाई है, और 15 फीट आपका आगे का स्पेस है, 15 पीछे का है, क्योंकि टोटल इसकी लेंथ 30 फीट है। तो इसमें आपके लगभग वॉल को अगर हम हटा दें तो लगभग 15 फीट का आपका बेडरूम है, लेकिन उसमें वॉल है दोनों तरफ, तो वो एरिया आपका लगभग 1 से 1.5 फीट कम हो जाएगा। मतलब कि 13.5-14 के बीच में आपके बेडरूम की लंबाई दोनों बेडरूम की, तो 9.5x14 के अप्रॉक्स दोनों बेडरूम है आपके, ये वाला ये वाला। किचन की बात करें तो इसमें 15 फीट में ये
लगभग 6 से 7 फीट आपका आगे निकला है, बाद बाकी पूरा किचन एरिया कवर्ड किया है, और ये वाली लेंथ तो पूरी आपकी 9.5 फीट मिलती है। तो किचन भी आपका एक स्मॉल बेडरूम के तरीके की वर्क करेगी, काफ़ी बड़ी किचन है। अगर आप इस किचन को यहाँ से ना रखें तो आप एज आए कि स्मॉल बेडरूम भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप किचन कहीं और सेट कर लेते हैं तो ये ग्राउंड फ्लोर का जो मकान था ना, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, बेहतरीन सा रियलिस्टिक व्यू आपको सारी चीज़ समझ में आ जाए। मैंने डोर विंडो का देखिए फ्रेम वगैरह लगा रखा है, तो बहुत ही खूबसूरत प्लान होने वाला है मात्र 20x30 में। ये देखिएगा, मैं टॉप व्यू दिखा देता हूँ। तो ये तो ग्राउंड फ्लोर हो गया, अब बात करते हैं फर्स्ट फ्लोर की, जो मैं पहले दिखा चुका हूँ। तो इसका फर्स्ट फ्लोर चारों तरफ 3 फीट का बाउंड्री वॉल है। यहाँ पर देखिए स्टेयर से आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर कट दिया है, आगे ग्रिल का डिजाइन और आसपास आपका नॉर्मल सा ग्रिल बना हुआ है। तो ये 20x30 का मॉडल बनकर रेडी हुआ है। दोस्तों मैं आपसे अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि आप किसी भी घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं किसी भी प्रकार का, तो आप हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका आपको हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर कॉन्टेक्ट करें। लेकिन वो एक पेड सर्विस होगी, आपको पे करना होता है 50% पहले 50% बाद में। तो आप हमें कॉन्टेक्ट करें, मैं आपसे बात करके आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हाउस क्रिएट करता हूँ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो आप गलती कर रहे हैं। अगर आप घर बनवाने की सोच रहे हैं, एक बार करिएगा जरूर, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आप हमें कमेंट सेक्शन में अभी कमेंट बताया करें। तो काफ़ी लोग क्या होता है कमेंट में ये लिख देते हैं कि हमें 2 बेडरूम हाउस सर बना कर दीजिए। तो एक्चुअली क्या होता है, 2 बेडरूम बनाने के लिए आप हमें लेंथ विड्थ के साथ चीज़ें बताया करें कि किसकी लंबाई चौड़ाई क्या है वगैरह। और जल्दी मैं दोस्तों एक वेबसाइट चलाने वाला हूँ, हालांकि मेरी वेबसाइट पहले से रजिस्टर्ड है, चलती भी थी, बट किसी कारणवश बीच में वो बंद हो गई। अब smallhouseplant.com के नाम से वेबसाइट आएगी, जिस पर आप ये मॉडल डाउनलोड कर पाएंगे। हालांकि वो थोड़ा सा कुछ आपको चार्ज देना होगा, आपको 3D यहाँ मिल जाया करेगा, 2D आपको उस वेबसाइट पर डाउनलोड कर पाया करेंगे। अगर आपको हमारा मॉडल पसंद आएगा तो आप वहाँ वेबसाइट पर जाइएगा, पे करिएगा, और आपको मॉडल 2D प्लान पूरा PDF पूरे आपका प्रॉपर तरीके से मिल जाया करेगा। जल्दी उसे हम लॉन्च करने वाले हैं, तो आप लोगों का सपोर्ट की आवश्यकता है हमें, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें इंस्टाग्राम ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप हमें कमेंट करके बताइएगा, एक सिंपल सा प्लान मैं आप किसी रैंडम किसी एक लोगों को सिलेक्ट करके जरूर बनाऊंगा। वीडियो पसंद आ गया हो तो प्लीज़ लाइक कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।